We are back for our science class. Class 3, science class. And what were we doing yesterday? We read about parts of a plant. And we learned about which very important process or the function of leaf? Yes, leaves are called the kitchen or the food factory for a plant. Why?

एंड वॉट आर द थ्री थिंग्स विच लीव रिक्वायर लीव्स को खाना बनाने के लिए जैसे आपकी मम्मा को भी खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है वी नीड गैस दैट इज एल पी जी जो हम घर पर यूज करते हैं और मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना पड़ता है जिसको कुक करते हैं सिमिलरली लीव्स नीड थ्री थिंग्स लीव्स नीड थ्री थिंग्स टू प्रिपेयर फूट नंबर वन कार्बन डाइक्साइड नंबर टू वॉटर नंबर थ्री सनलाइट एंड लीव्स को यह सब कुछ कहां से मिलता है लीवस गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वॉटर इज टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सल वॉटर रूट्स अब्सॉर्ब करती है सॉइल से एंड सनलाइट दे गेट फ्रॉम द सन

सबको याद रहेगा और जब फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट को पूरा फूड मिलेगा तो हमें कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट मिलेगा विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या दिख प्लांट में यस फ्लावर्स फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट प्लांट लुक्स ब्यूटिफुल आर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स पर यह फ्लावर्स ब्लूम कैसे होते हैं ब्लॉसम कैसे होते हैं खिलते कैसे हैं फ्लावर्स और कहाँ से आते हैं अ बर्ड चेंजेस इन टू अ फ्लार फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम स्टेम पर जो स्मॉल बर्ड लगती है आफ्टर फ्यू डेज इट टर्नस इन टू अ फ्लार And how does it turn into a flower? When the bud gets proper air, sunlight and food. Food kisne banaya Leaves ne. So similarly, all of you are also like buds. When you will get love, care from your parents, you will become big, you will blossom and you will become beautiful like flowers. So flowers grow from... Small buds on the stem. And what are the uses of these flowers for us? Flowers grow into a fruit. A flower grows into a fruit. You can see that a bud, bud se flower, or flower se fir, wo fruit gaya. And we eat many fruits. We eat many fruits, but we use flowers even before that. sare flowers ko hum. फ्रूट्स में टर्न होने से पहले ही यूज भी करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स डू यू नो अबाउट दिस आपको पता है फ्लावर्स के अंदर एक फ्रेगरेंस होती है वॉट डू वी मीन बाय फ्रेगरेंस अ स्मेल विच वी कैन स्मेल एंड वी फील गुड एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगरेंस इन द फ्लावर्स द फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स फ्लॉर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स बट बिफोर दैट द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लॉर मेन फंक्शन फ्लॉर का होता है बेटा फ्लार के अंदर सीड्स होते हैं दे जर्मिनेट इन टू प्लांट सो मेन फंक्शन फ्लार का हो गया फ्लार हेल्प्स अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस मीन्स टू हैव मोर प्लांट एडल्ट वन बड़े प्लांट जैसे और छोटे छोटे प्लांट्स बनते जाएंगे दैट इज वट इज फ्लारी प्रोड्यूसिंग एंड हाउर बिकम्स अ फ्रूट अ फ्रूट के अंदर क्या होता है सीड्स एंड दीज सी टर्न इन टू अंग प्लांट एंड यंग प्लांट टर्नस इन टू अ ट्री सो मेन फंक्शन ऑफ द फ्लॉर इज टू हेल्प अ प्लांट टू Reproduce. But other uses are flowers are used to make perfumes. Flowers like lavender, rose, jasmine, pomegranate. In alag hi fragrance. And that we use for making perfumes. The natural perfumes from the natural flowers. Flowers are also used to add flavor to food. हम फ्लावर्स का यूज़ करते, करते हैं कुछ फ्लावर्स का यूज करते हैं टू ऐड इन टू अर फूड हैव यू सीन योर मदर कुकिंग राइस हैव इंग क्लोव बर्ड्स इन दैट क्लोव होती है लोंग लोंग की बड्स डालते हैं उसमें फ्लेवर के लिए वेदर इट्स स्वीट राइस और द सॉल्टी राइस वी यूज क्लोव टू एड फ्लेवर इन टू दैट वी यूज रोज पेटल्स टू मेक रोज सिरप

फ्लार्स आर यूज फॉर डेकोरेशन बिकॉज फ्लॉर्स लुक ब्यूटिफुल सो टू मेक अ प्लेस लुक ब्यूटिफुल वी यूज फ्लार्स फ्लॉर्स आर ऑल्सो ऑफर्ड टू गॉड एट द प्लेस ऑफ वर्शिप फ्लारो ऑफर्ड टू गॉड एट द्लेसेज ऑफ वर्शिप बिकॉज हम बोलते हैं कि हम अपनी सबसे सुंदर चीज गॉड को ऑफर कर रहे हैं दैट इज वाई फ्लार्स आर ऑफर्ड एट द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन वी मस्ट हैव सीन व्हेन वी वी गो टू अ वेडिंग और वी गो टू अ पार्टी टू मेक दैट प्लेस लुक ब्यूटीफुल। जनरली पीपल यूज फ्लावर्स किसी भी जगह को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं वी यूज़ फ्लावर डेकोरेशन बिकॉज फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the uses of flowers i have told you four uses of flowers let's recall what are the four different uses of flowers number 1 flower helps a plant to reproduce flowers help a plant to reproduce flowers are used to make perfumes flowers are used to make perfumes flowers are used to

या कोई फ्रूट ऐसा है जिसमें सीड्स नहीं मिलते हैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कुछ वेजिटेबल्स जिनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं आर नॉट एक्चुअली वेजिटेबल्स दे आर फ्रूट्स उन वेजिटेबल्स को हम फ्रूट्स क्यों होती है वो बिकॉज उनके अंदर सीड्स होते हैं जिस भी चीज के अंदर सीड्स हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रूट और जिस चीज के अंदर सीड नहीं है हम बोलते तो फ्रूट है बट एक्चुअली वो फ्रूट नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस कैन यू थिंक ऑफ अ फ्रूट विच नॉट कंटेन अ सीड यस यू आर राइट अ बनाना सो इन हायर क्लासेस वी विल लर्न दैट वाई डू वी कॉल बनाना अ फ्रूट और वाई कांट वी कॉल बनाना अ फ्रूट बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रूट विच हैव अ सिंगल सीड इन देम वो वाले फ्रूट्स जिनमें हमें एक सिंगल सीड मिलता है वेरी गुड यू हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई दैट सो क्विकली मैंगो मैंगो हैज अंगल सीड चेरी चेरी में भी सिंगल सीड होता है प्लम प्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं आलू बुखारा प्लम ऑल्सो हैज अंगल सीड एंड अच पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं आड़ू सो अ मैंगो चेरी प्लम पीच दे हैव अ सिंगल सीड सिमिलरली एविकेडो दो डू वी डोंट फाइंड इन इंडिया मेनली बट इवन दैट फ्रूट हैज अ सिंगल सीड एंड विच आर द फ्रूट्स विच हैव फ्यू सीड्स मतलब वन से ज्यादा बट बहुत ज्यादा नहीं कौन से फ्रूट्स है वो थिंक 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 बिफोर आई शो दैट टू यू यू स्टार्ट थिंकिंग विच आर द फ्रूट्स विच हैव ओनली फ्यू सीड्स एप्पल पियर चीकू दीज आर द फ्रूट्स विच हैव ओनली फ्यू सीड्स एंड द फ्रूट्स लाइक पपाया वॉटरमेलन जैक फ्रूट दे हैव मेनी सीड्स दे हैव मेनी सीड्स छोटे छोटे से बहुत सारे सीड्स होते हैं बट द जैक फ्रूट डू यू नो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जैक फ्रूट जैक फ्रूट को हम तो यहाँ पर वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं क्या बोलते हैं जैक फ्रूट को हिंदी में कठहल और जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं वेन वी गो टू सर्दन इंडिया द पीपल ईट जैक फ्रूट एज अ फ्रूट वो इसे राइट करके वेन इट गेट्स राइट It is in yellow colour. Or ripe karke it becomes sweet also. It is a sweet fruit and people eat even the seeds of jackfruit. But here in Alwar or in Northern India, we mainly eat jackfruit by preparing vegetable. Katal ki sabji banakar. we use that for a pickle. After many seed fruits, now let's see, what is the main use of a seed do you know that seeds help in producing new plants seeds help in producing new plants Kese? when a seed is sown in the soil and given sufficient water air and sunlight yaad hai na photosynthesis ke liye, water carbon dioxide and sunlight chahiye tha na? abhi hume water air and sunlight chahiye for a seed also then it grows into a new plant so a seed grows into a new plant by the help of seed grows into a new plant with the help of water air and sunlight and we call this process as germination इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जर्मिनेशन सो वॉट इज जर्मिनेशन वेन अ सीड इज सोन इन द एंडर एंड लाइट बट प्लीज रिमेम्बर किसी भी सीड को बहुत ज्यादा पानी नहीं दे देना है या बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में वॉटर एयर और सनलाइट मिलेगा देन ओनली सीड विल ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट यू कैन इवन ट्राई दिस एट होम आप एक राजमा का बीन लो एंड सो दैट इन द दॉयल एंड देन सी बट वेन यू सो दैट इन द दॉय डोंट सो इट टू डीप और डोंट सो इट ऑन द ग्राउंड मतलब बिल्कुल ऊपर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होना चाहिए सो लेट्स ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम सो सम राजमा बीन इन फ्यू डेज They'll turn into a plant and you will understand the process of germination. But how will we take care of that plant? By making it sure that it gets sufficient water, air, and sunlight. Please remember that. So, now because we have learned many new terms, and would you like to have some fun time with a song?

plan